फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले आप कैसे बुद्ध स्मार्ट वॉच में ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूआर कोड को सर्च करते हैं बुद्ध स्मार्ट वॉच वेब कॉल में, ठीक है। तो यहाँ से स्लाइड करो, बस ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है, ऐसे स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उस पर बस आपको सेटिंग में क्लिक करना है, ठीक है। नीचे में सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। और उस पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे डाउनलोड ऐप, तो इसमें आपको यहाँ पर डाउनलोड ऐप में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्यूआर कोड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हम मोबाइल फ़ोन के अंदर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको गूगल लेंस इंस्टॉल करना है। गूगल लेंस इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके पास कैमरा भी वर्क करते हैं तो सही बात है, अगर आपके पास कैमरा वर्क नहीं करते हैं तो आप गूगल लेंस इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल लेंस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हम अभी प्ले करेंगे गूगल लेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर मुझे गूगल लेंस नहीं मिल रही है, तो ये रहा लेंस, ठीक है। उसके बाद फिर से ये डाउनलोड ऐप में क्लिक करना है। उस बार हम अभी क्लिक करेंगे गूगल लेंस पे, उसके बाद यहाँ कैमरा में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ऐसे स्कैन करने, देखिए, उसके बाद यहाँ कह रहे कि ताप शटर करना है आपको, ओपन करना है, तो ठीक है। अगर लिंक ओपन करना है तो, क्योंकि यहाँ पर लिंक आ चुके हैं ना, अगर ओपन करना है ना तो आपको यहाँ पर लिंक में क्लिक कर देना है। अभी लिंक नहीं आया है तो हम अभी देखते हैं, लिंक अभी वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने, यहाँ पर क्लिक करने ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक नहीं थी तो मैंने बाहर क्लिक कर दिया। तो अभी मैं वापस दिखाऊंगी, डाउनलोड ऐप पे क्लिक कर दीजिएगा वापस। अगर गुम हो गए तो आपको बस ऐसे स्कैन करना है, तो वेबसाइट को ओपन करना, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, स्मार्ट वॉच की क्यूआर कोड से। और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले, तो इसमें यहाँ पर आपको गूगल प्ले में क्लिक करना है। और उस पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंस्टॉल के ऑप्शन, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो यहाँ पर इंस्टॉल के ऑप्शन है, उसमें बस क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद सब कुछ वहाँ पर आप सेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। मैंने बस ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए बताई है। अगर आपको नहीं पता कि कनेक्ट कैसे करते हैं तो आप मेरी वीडियो चेक करके देख सकते हो, मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो फुल सेटअप बनाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।